नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस YouTube चैनल पर। आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ मार्केट रेगुलेटर सेबी द्वारा NSE यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज को दिए एक बहुत बड़े अप्रूवल के बारे में। तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ जिससे नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। देखिए, मार्केट रेगुलेटर जो सेबी है उसने NSE यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज को एक बहुत बड़ा अप्रूवल दिया है। उसी अप्रूवल के बारे में आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। लेकिन न्यूज़ के बारे में बात करने से पहले हम निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज के बारे में बात करेंगे, क्योंकि इसी के बारे में न्यूज़ है और इसको समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, तभी आपको न्यूज़ समझ में आएगी। देखिए, NSE जो है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है, उसके बहुत सारे इंडेक्स होते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा निफ्टी 50 होता है, निफ्टी बैंक होता है, निफ्टी मेटल होता है, जितने भी सेक्टोरियल इंडेक्स होते हैं या फिर कंबाइंड इंडेक्स होते हैं। ये इंडेक्स इसीलिए बनाए जाते हैं कि किसी भी पर्टिकुलर सेक्टर का हम अंदाजा लगा सकें कि किस तरीके से वो सेक्टर परफॉर्म कर रहा है। उसी प्रकार से एक इंडेक्स होता है जो कि होता है निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज। तो यहां पर देखिए लिखा हुआ है क्या होता है ये, द निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स कंसिस्ट ऑफ 20 स्टॉक। अब जो भी इंडेक्स बनाया जाता है वो कुछ स्टॉक को मिलाकर बनाया जाता है। तो जो निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज में जो इंडेक्स होते हैं वो 20 स्टॉक्स होते हैं, एंड इज डिजाइंड टू रिफ्लेक्ट द बिहेवियर एंड परफॉर्मेंस ऑफ द इंडियन फाइनेंशियल मार्केट। यानी कि ये इसलिए बनाया गया है क्योंकि इंडिया जो फाइनेंशियल मार्केट है उसका अंदाजा लगा सकेंगे कि वो किस तरीके से परफॉर्मेंस कर रहा है, तो इसीलिए इस इंडेक्स को बनाया गया है। और आगे लिखा है विच इंक्लूड्स, मतलब इसमें जो स्टॉक्स होते हैं वो होते हैं बैंक्स के, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के, हाउसिंग फाइनेंस के, इंश्योरेंस कंपनीज के और अदर फाइनेंशियल सर्विसेज। इस टाइप के इंडेक्स इसमें होते हैं, यानी कि ये पूरा जो है फाइनेंशियल सेक्टर से जुड़ा हुआ है और ये सिंपली इंडेक्स है। जैसे कि एक निफ्टी 50 है, निफ्टी बैंक्स है, उसी प्रकार से इंडेक्स है निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज। आप जिस भी डीमेट अकाउंट को यूज़ करते हैं, आप उसमें सर्च करेंगे तो आपको ये इंडेक्स वहाँ पर मिल जाएगा। अब देखिए न्यूज़ क्या है, न्यूज़ यहाँ नीचे मैंने आपको बताया है, न्यूज़ है कि NSE रिसीव्स यानी NSE को अप्रूवल मिल चुका है, सेबी अप्रूव्स टू लॉन्च डेरिवेटिव्स ऑन निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स फ्रॉम जनवरी 11, 2021। यानी कि आपने देखा होगा कि डेरिवेटिव ट्रेडिंग होता है, डेरिवेटिव ट्रेडिंग का मतलब होता है फ्यूचर एंड ऑप्शंस में ट्रेडिंग, जो वीकली एक्सपायरी होती है या फिर मंथली एक्सपायरी होती है, उसमें बहुत सारा वो समझने वाली चीज़ है। आप बस इतना समझ लीजिए कि डेरिवेटिव मार्केट जो होता है यानी कि फ्यूचर एंड ऑप्शन में जो ट्रेडिंग होती है वो यहाँ पर उसी की बात यहाँ पर हम कर रहे हैं। तो अब जो है, पहले क्या होता था, पहले दो इंडेक्स में जो है ये ट्रेडिंग होती थी। पहला इंडेक्स था निफ्टी 50 में, पहला इंडेक्स था निफ्टी 50 और दूसरा इंडेक्स जो था निफ्टी बैंक्स, इन दोनों में ही फ्यूचर ऑप्शन ट्रेडिंग होती थी इंडिया में NSE पर। BSE में हालांकि किसी पर नहीं होती है, लेकिन NSE यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर दो इंडेक्स पर होती थी, पहला था निफ्टी 50 और दूसरा था निफ्टी बैंक्स। लेकिन अब सेबी ने मंजूरी दे दी है कि 11 तारीख से यानी 11 जनवरी 2021 से अब तीसरा इंडेक्स भी एलिजिबल होगा ये जो डेरिवेटिव ट्रेडिंग होती है उसको करने के लिए। यानी कि अब फ्यूचर एंड ऑप्शन में जो इंडेक्स ट्रेडिंग है वो आप जो इंडेक्स है ये वाला निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज, उसमें भी आप डेरिवेटिव ट्रेडिंग यानी कि फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेडिंग कर सकेंगे। यहां पर देखिए साफ साफ न्यूज में लिखा हुआ है, द मार्केट रेगुलेटर सेबी हैज अप्रूव्ड द नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया टू लॉन्च डेरिवेटिव्स ऑन निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज द फ्यूचर ऑफ एंड ऑप्शन सेगमेंट ऑफ द एक्सचेंज। यानी अब इस जो इंडेक्स है इसमें फ्यूचर एंड ऑप्शंस में भी ट्रेडिंग आपको देखने को मिलेगी। एट द प्रेजेंट, मतलब अभी प्रेजेंट के टाइम में द निफ्टी बेंचमार्क ऑपरेटर ऑफर्स इंडेक्स डेरिवेटिव ऑन ओनली टू इक्विटी इंडेक्सेस। यानी दो ही इन जो निफ्टी के दो इंडेक्स हैं उसी पर होती है। पहला है केवल, पहला कौन सा है, पहला है निफ्टी 50 और दूसरा है निफ्टी बैंक्स इंडेक्स, यानी दोनों इंडेक्स पर ही ट्रेडिंग होती है। लेकिन अब तीसरा इंडेक्स भी जुड़ गया है जिसमें आप डेरिवेटिव ट्रेडिंग कर सकेंगे, वो है आपका निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज। तो मैंने निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज क्या है यहाँ पर डिफाइन कर दिया है। निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज कुछ एक्स्ट्रा नहीं है जैसे
जैसे निफ्टी 50 होता है उसमें 50 कंपनीज़ होती हैं, जो मेन मेन कंपनीज होती हैं वो 50 कंपनीज निफ्टी 50 में डाली जाती हैं। उसी प्रकार से निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज वो इंडेक्स है जिसमें 20 स्टॉक रहते हैं, ये डिफाइंड रहता है पहले से, और इसमें वो इंडेक्स होते हैं जो ये पता लगाने के लिए यूज़ किए जाते हैं कि इंडियन फाइनेंशियल मार्केट कैसा चल रहा है। तो उसमें जो बैंक्स के स्टॉक होते हैं, जो अच्छे बैंक्स के रहेंगे वो रहते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के रहते हैं, हाउसिंग फाइनेंस के रहते हैं, इंश्योरेंस कंपनीज के रहते हैं, या जो भी अदर फाइनेंशियल सर्विसेज हैं उनके जो स्टॉक्स हैं वो उसमें रहते हैं, उस इंडेक्स में रहते हैं। तो मेन न्यूज़ ये है, कंक्लूजन यही है कि अब जो है डेरिवेटिव ट्रेडिंग यानी फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग आप NSE के ऊपर 3 इंडेक्स में देखेंगे। पहला इंडेक्स निफ्टी 50 जो पहले ही होता आया है, दूसरा इंडेक्स जो है वो है निफ्टी बैंक्स, और तीसरा जो नया इंडेक्स जुड़ा है वो है निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज। तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी अगर आप शेयर मार्केट में ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट करते हैं, क्योंकि फ्यूचर एंड ऑप्शन में सभी लोग ट्रेडिंग नहीं करते हो भले, लेकिन जानना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जब आप मार्केट में आते हो तो आपको फ्यूचर एंड ऑप्शन सीखना बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि कभी कभी आपको ज़रूरत पड़ती है। और जैसे कि आपने देखा कि कोरोना वायरस के समय में मार्केट बहुत ज़्यादा क्रैश हुआ, तो क्रैश होने पर भी लोगों ने अच्छे खासे पैसे बना लिए, क्योंकि उन्हें पता था कि फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेडिंग कैसे करते हैं। तो अगर आप भी फ्यूचर शेयर मार्केट में ट्रेडिंग कर रहे हैं और काफ़ी दिनों से कर रहे हैं, तो आपको भी फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेडिंग करना सीखना चाहिए, एटलीस्ट आपको आना चाहिए, भले ही आप करें या ना करें, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग क्या होता है। तो आई थिंक आपको ये न्यूज़ अच्छी लगी होगी, आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, और अगर आपने हमारे चैनल को अभी पहली बार देखा है तो आप हमारी चैनल को भी सब्सक्राइब भी कर दें, बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं जिससे नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, और अगर आपका कोई भी क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही, धन्यवाद।